जी मैम। यस मैम। और वो खुद ही प्रेजेंट नहीं है। चलिए वेट करते हैं स्टूडेंट्स का। हाँ जी वालेकुम सलाम। जी मैम, वो आपको पता चल गया था, सर इमरान ने भी कह दिया है कि जो ये मिड के एग्जाम्स है ना, ये टोटली टीचर पे ही डिपेंड करते हैं। हाँ जी मुझे पता चल गया था। ठीक हो गया मैम, फिर हमें सिलेबस बता दें मिड का, और ये भी बता दें कि आप किस ऐप पे लेंगी पेपर। मैम रिक्वेस्ट तो हमारी ये थी, पिछली दफा भी टीचर्स ने इसी तरह किया था कि व्हाट्सएप पे पेपर सेंड कर दिया था, तो वो हमने लिख के पीडीएफ, मतलब आप सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो भी आप देना चाहें, तो विद इन टाइम फिर हमने वो लिख के पीडीएफ बना के तो टीचर को सेंड कर दिया था। गूगल क्लासरूम का पता है आप लोगों को? जी मैम, इस दफा टीचर्स कह रहे हैं गूगल क्लासरूम का। बस फिर गूगल क्लासरूम पे हम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैम फिर एक दफा पहले हमें डेमो दिलवा लीजिएगा। किस चीज का? मैम कैसे उधर करते हैं मैम, वो उसका कोई इश्यू तो नहीं होगा कि अगर लाइट दरमियान में ऑफ हो जाती है, आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो दोबारा से ओपन होगा, तो फिर हमें सारे एमसीक्यूज दोबारा से करने पड़ेंगे। एमसीक्यूज नहीं मैंने देने, मैंने दूसरा चेक करना है। मैम सब्जेक्टिव देना, हाँ जी तो दोनों। मैं फिर सब्जेक्ट, सबर सबर, हौसला हौसला। यहाँ तो पूरा ही एमसीक्यूज वाइज नहीं होगा। कितने मार्क्स का होना है आपका पेपर वैसे? मैम टोटल 18 का होता है। 18 का है? यस मैम। अच्छा अच्छा फिर मुझे सोचने दे। ओके मैम, फिर मुझे सोच के कौन सा इजी रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक हो गया मैम, रमजान को देखते हुए पेपर बनाइएगा, हम दुआ करेंगे। मैम बच्चों की दुआएं लीजिएगा। बिल्कुल यही बात है, वैसे भी जरूरत है दुआओं की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम करेंगे। मैं क्योंकि मुझे खुद ज्यादा हैक्टिक काम नहीं चाहिए जो आसानी से मैं कर सकूं, क्योंकि मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, तो
ऊपर से रमजान भी है तो इतना वाकई मुझसे खुद भी नहीं होगा, तो हम देख लेंगे ठीक है, जो आपके लिए भी फिजिबल हो और मेरे लिए भी फिजिबल हो ठीक है। तो 80 मार्क्स, थैंक यू सो मच, तो वो तो कोई इशू नहीं है, तो वो हम कर लेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है पर आएगा उसी में से, ये मैं बता दूं ठीक है। कोई भी जो टॉपिक है वो मैंने खत्म नहीं करना कि ये खत्म कर दें या ये। मैम कितना, मतलब जो लास्ट हमने लिया है थर्सडे को क्लास, वहां तक होगा या ना, आज ना वाला भी नहीं होगा? आज वाला भी, ये अगले वाले भी, कहाँ तक ये चलना है? पेपर किस दिन है मैम? मंडे से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। मैम हमने जो सर मोहसिन को सेंड की है ना डेट शीट, वो तो मेरे पास है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जरा ऑफिशियली आ जाए ना, जो सारे प्लान सेंड करेंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। वैसे आनी तो वही है। ये मंडे को? यस मैम, मंडे को 26 से 3 तक। अच्छा चले देख लेंगे, आज मंडे है। यस मैम, नेक्स्ट मंडे पेपर। चले आज का भी टॉपिक इंक्लूड कर लें ठीक है, आज तक का मैम? आज तक का कर लें ठीक होगा मैम। ठीक है और कुछ? और कुछ मैम, बस थैंक यू, यही कहना था कि पेपर आसान बनाइएगा। बिल्कुल, अच्छा आ जाए फिर। लास्ट जो हमने किया था उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो? ये हम क्या पढ़ रहे थे, मैपिंग पढ़ रहे थे ऐसा ही है, और जी मैंने मैम। ये छोड़ते रोटेशन वाली छोड़ते राइट, बाकी कर ली थी ऊपर, बाकी की मैपिंग में से किसी को प्रॉब्लम आई हो? नहीं आई, ठीक है आगे आ जाए। रोटेशन, रोटेशन में अगेन कहा था वही चीज यूज होगी, अगर जी प्लेन में लाइन है जब डब्ल्यू प्लेन में जाएगा ग्राफ जाएगा तो वो सर्कल बन जाएगा, अगर जी प्लेन में सर्कल है डब्ल्यू प्लेन में जब जाएगा वो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है, ये याद रखना है। रोटेशन अगेन, रोटेशन में फंक्शन क्या था अगेन, सिंपल जी प्लेन में जी है तो W प्लेन में W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, एक मिनट, अब यहां पर फंक्शन जो है रोटेशन में आ जाता है E आयोटा अल्फा और Z। अच्छा Z अगेन वही बात कि जब Z को भी लिखेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में ठीक है, आइलर्स की फॉर्म में तो क्या रहता है, दोबारा से बता रही हूँ, आर ई आयोटा और फिर साथ में थीटा, तो इस तरह बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो नई जो फंक्शन बनता होता है वो क्या बनता है, आर ई आयोटा और एंगल क्या रहता है अल्फा प्लस थीटा, इसी वजह से जो एंगल में चेंज आता है इसी वजह से ये रोटेशन यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ठीक है। यहाँ पर एंगल अल्फा है या जो भी है नेक्स्ट सॉरी थीटा है, z इज इक्वल टू थीटा ठीक है, ये थीटा है, जब अगली दफा ये आएगा तो ये अल्फा प्लस थीटा, मतलब कि उसमें रोटेशन में चेंजेस होगी। अच्छा रोटेशन किया था हमने या नहीं किया था? नो मैम। ठीक है सर, रोटेशन आ जाता है ये वाला, फिर अगले पेज पे आ जाए, अगेन यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है पोलर फॉर्म्स में, कहने पर टू आर ई आयोटा थीटा है और दूसरी में सिंपल आयोटा अल्फा साथ में है, जब एड अप हो जाएगा तो फिर आर ई आयोटा अल्फा प्लस थीटा आना चाहिए था ठीक है, अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा।
अगेन ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा एंगल आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखते हैं, एग्जाम्पल्स में अगेन इसमें क्या है, फिगर वही बनेगी नोटेशन में। अच्छा सॉरी, जो मैं पहले बता रही थी ना लाइन और सर्कल वाला, वो इन्वर्जन में आ जाता है, ठीक है। रोटेशन में फिगर वही बनेगी लेकिन उसका एंगल डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा फिर आ जाता है, व्हाट इज द इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द जी प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस। अगेन यहाँ पर लाइंस आ गई हैं अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू ई आयोटा पाई बाय फोर है, ठीक है। अल्फा जो यहाँ पर है वो पाई बाय फोर है। अब अगेन फंक्शन लास्ट टाइम क्या किया था, यू और वी वैल्यूज निकाली थी, फिर एक्स और वाई जो पॉइंट थे वो पुट किए थे, सही है। Z प्लेन के लिए हमें x और y गिवन है, हमने क्या फाइंड करने हैं W प्लेन के लिए, U और V फाइंड करना है, ठीक है। U और V किस तरह फाइंड करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से। अच्छा अब आ जाए यहां पर, अब फंक्शन ये दिया है z फंक्शन, अगेन इसको मॉडिफाई कर लें, किस तरह करेंगे, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कर दिया, इसी तरह कर लेते हैं। ये तो e आयोटा पाई बाय फोर वैसे ही आ गया, z x प्लस आयोटा y है, पोलर की बजाय उसने कार्टेशियन में ही लिख दिया है। अच्छा ये आ गया है। अब बताएं ये चीज जो है e आयोटा पाई बाय फोर, ये लिखी जा सकती है पोलर की फॉर्म में या नहीं? पता है कि नहीं पता कि e आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये कोस थीटा प्लस आयोटा और फिर साइन थीटा, अच्छा लिखा भी है सॉरी, ये चीज। अब यहाँ पर जस्ट थीटा की जो वैल्यू है वो पुट करते जाएं, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय फोर है, पाई बाय फोर यहाँ पर पुट करते हैं, पाई बाय फोर यहाँ पर पुट करते हैं, कोस पाई बाय फोर किसके इक्वल आता है, वन ओवर स्क्वायर रूट टू, ठीक है। साइन पाई बाय फोर की भी वही वैल्यू आ गया। फाइंड क्या करना है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में फाइंड करना है, यू और वी फाइंड करना, ठीक है। सिंप्लीफाई करें यहां से, अगर हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करना चाहें तो निकल सकते हैं कि नहीं, निकल सकते हैं राइट। सिंप्लीफाई करवाएंगे और फिर पॉइंट्स आ जाएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, सही ऐसा ही है। एक्स वन के साथ ठीक है, और फिर दूसरा आ जाएगा एक्स आयोटा के साथ, दूसरा आयोटा वाई आ जाएगा और फिर आयोटा स्क्वायर माइनस वाई। अब रियल पार्ट आ जाते हैं एक्स माइनस वाई और दूसरा आ जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा के साथ। कंपेयर कर ले, यू भी निकल आया वी भी निकल आया, यहां तक वही जो पिछला स्टेप किया था बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे लास्ट में किया था। जो भी फंक्शन होगा और गिवन चीजें होंगी वहां से हमने डब्ल्यू के कंपोनेंट्स फाइंड कर लेने हैं यू और वी एक्स की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ एक्स, ताकि x और y की जो वैल्यूज गिवन है इससे u और v ड्राइव किए जा सके, ठीक है सही। अब यहां से दो चीजें आ जाती हैं, या तो यहीं पर डायरेक्ट u और v सॉरी x और y की वैल्यू अगर पुट करते हैं वैल्यूज u और v निकल आती हैं, ठीक है, या फिर उसको लाइंस की शेप में लिखते हैं। लाइंस में भी आके आगे फर्दर डायरेक्ट लाइन ड्रा करने आती है तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट्स की शक्ल में ही आ जाए, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं नोट करनी थी, एक्स वन है वन माइनस टू, अच्छा एक बात तो यह वाली है, जैसे हम लास्ट में करते थे x और y की ये वैल्यूज देख लें, यहां पर पुट करते जाएं बारी बारी,
निकल आएंगी वैल्यूज, ऐसे ही है यू और वी की, एक्स जीरो हो वाई जीरो हो यू भी जीरो आ जाएगा, वी में एक्स जीरो हो वाई जीरो हो ये भी जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू टू, यहां पर वैल्यू पुट करें क्या जाती है, वन माइनस टू ओवर वन बाय टू, ठीक है, माइनस माइनस वन ओवर टू आ जाएगा एक का, दूसरे का क्या आ जाता है वन और टू है थ्री ओवर टू, ठीक है, या तो ये वे है आप पॉइंट्स कर ले, या फिर लीनियर इक्वेशन से आपने पढ़ा हुआ है वैल्यूज फाइंड करना, लीनियर इक्वेशन है वहां से ग्राफ ड्रा करने आता है, पॉइंट्स फाइंड करने आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं या नहीं आते हैं? मुझे बताएं तो सही। उसमें ये होता होता है कि जो भी आपके पास लाइन होती है, ठीक है, सपोज ये अगर लाइन है, ठीक है, आपने कोई फिगर, ये लीनियर लाइन, ठीक है, ग्राफ में कोई पॉइंट इसके नोट करने हैं तो क्या करते होते हैं, ये इक्वेशन ले ली, ठीक है, ये आ जाता है यू और ये आ जाएगा वी। अच्छा वी किसके इक्वल आ जाता है, यहां से अगर ड्राइव करें वी इक्वल आता है स्क्वायर रूट टू माइनस यू के, ठीक है। अब ये लाइन के पॉइंट्स इस तरह फाइंड होते हैं कि यू आप अपनी मर्जी से लेते जाएं, ठीक है, सपोज यू आप कंसीडर करें जीरो, ठीक है, यहां पर मैं लिख रही हूँ यू जीरो कंसीडर करें तो वी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट टू आ जाएगी, ठीक है, मतलब कि लाइन का जो पहला पॉइंट हो गया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, जीरो और साथ में वी क्या है स्क्वायर रूट टू, ठीक है। अब अगेन सेकंड पॉइंट फाइंड करना लाइन का, अच्छा ये साथ साथ ड्रा कर जाते थे, रुक जाएगा ये पहला पॉइंट आ जाता है लाइन का, मतलब कि इसका जीरो पॉइंट यू का ये होगा और वी का स्क्वायर रूट टू, ठीक है, पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर कहीं पे वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह करते करते ये पूरी इसकी लाइन जो है आप ड्रा कर सकते हैं, पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं, इसी तरह यू का एक और पॉइंट खुद से ले ले, वन ले ले, टू ले ले, थ्री कर ले, कोई भी चीज कर ले, ठीक है। ये लाइन्स इस तरह भी ड्रा हो सकती हैं, दूसरी जैसे ऊपर भी बताया था यू और वी जो पॉइंट्स हैं क्या निकले थे, एक ये पॉइंट निकला था और दूसरा ये पॉइंट निकला था, ठीक है, चार पॉइंट्स निकले थे आपस में कॉम्बिनेशन करके, इसका भी रेक्टेंगुलर निकल आएगा। बात समझ में आ रही है? जी मैम। ठीक है, ये बात आती है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन आती है, जो सॉरी रेक्टेंगुलर आता है, इसकी शेप डिफरेंट होगी, शेप वही होगी, रेक्टेंगुलर है तो दूसरी तरफ भी रेक्टेंगुलर ही होगा, लेकिन शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो किस तरह आ जाती है, एक तो आप लोगों को जिस तरह अभी मैंने बताया यू और वी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, अगर यही पॉइंट फाइंड करने वाली टेक्निक यहाँ पर यूज की जाए यू और वी के लिए, बताए यू इज इक्वल टू जीरो हो तो वी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर u आ गया है और यहाँ पर v के पॉइंट्स आ गए हैं, v इज इक्वल टू वन हो, सॉरी u इज इक्वल टू वन हो तो v क्या आ जाता है, वन आ जाता है, टू आएगा तो टू, ठीक है। अगर यही चीज यहाँ पर कंसीडर कर ले, u अगेन जीरो है तो v भी जीरो है, ऐसा ही है? जी मैम। u अगर कह ले के माइनस वन के इक्वल आ रहा है तो v किसके इक्वल आ रहा है, वन के एक्स जो यू है माइनस वन और वी वन, अगेन माइनस टू
और फिर वी क्या रहेगा, टू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर देखें ये लाइन जो बनी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूं, मैंने क्लियर कर दिया है। क्या बने थे यू के, क्या बने थे, जीरो और जीरो, ये जीरो और जीरो जी मैं, यहाँ पर आ जाए। ए का क्या था, यू और बी के जीरो और जीरो बन रहे थे, ये जीरो और जीरो पहला पॉइंट, फिर एक्स वन आता था और वाई क्या, सॉरी एक्स वन आ रहा था, यू वन आ रहा था और बी क्या आ रहा था, वन आ रहा था ये पॉइंट, ठीक है, यू टू आ रहा था और वी भी टू आ रहा था, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट ऐसा ही है, ठीक है, ये लाइन इसी तरह राइट, ये अच्छा दूसरी तरफ क्या आ रहा था, U माइनस में आ रहा था और V पॉजिटिव में आ रहा था, जब U माइनस में आ रहा तो इधर वाली साइड पे जाएगा कि नहीं जाएगा, जी मैम, माइनस वन और ये वन, ये लाइन, ठीक है, और फिर माइनस टू और पॉजिटिव टू, फिर ये लाइन, ये दो लाइन इस तरह बन गई, और फिर जो स्केयर रूट वाली लाइन थी, स्केयर रूट थ्री, थ्री बाय स्केयर रूट समथिंग, और दूसरी कौन सी थी, माइनस वन ओवर स्केयर रूट टू, आई गेस वन बाय था मैम, यही था आई गेस, ठीक है, ये पॉइंट्स थे, तो वही बात इस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, या तो पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से कर ले या फिर लाइन से ड्रा कर ले, दोनों तरीकों से ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आई है बात, लाइन से भी यहां से भी ड्रा करना है तो आपकी मर्जी है, यू और वी वैल्यू यू की देते जाएं और वी की निकालते जाएं, जो भी पॉइंट्स आए वो ड्रा कर दिए, ठीक है, यू के लिए भी दूसरी लाइन के भी यही काम करना है, या फिर सिंपलेस्ट काम क्या करना है, किधर गई ये चीज, जो U और V पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते जाए, फिर क्या था, पॉइंट्स का आपस में कॉम्बिनेशन हमने किया था, राइट, यही चीज है, बिल्कुल उसी तरह इसको ड्रा करते हैं, समझ में आई है बात या नहीं आई, आ गई है समझ सारी क्लास को, यस मैम, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगेन वही चीज है लेकिन वो आधा किया होगा, छोड़ दिया होगा, रुक जाए जरा, अच्छा वो आ जाता था रोटेशन में, अगली चीज आ जाती है इन्वर्जन में, इन्वर्जन में वही बात जो पहले कही थी, स्टार्ट में कही थी, लाइन से एक प्लेन में अगर लाइन में है, दूसरी प्लेन जब जाएगी, जी प्लेन में अगर लाइन है, डब्ल्यू प्लेन में जाएगी तो क्या बन जाएगी, सर्कल, जी प्लेन में अगर सर्कल है तो दूसरी में जाएगी तो लाइन हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, लाइन से सर्कल, जैसे स्टार्ट में हमने एक बात कही थी कि हो सकता है कि जी प्लेन में अगर एक पॉइंट बन रहा है, एक मिनट, जी प्लेन में अगर एक पॉइंट बन रहा है तो वो डब्ल्यू प्लेन में किस चीज पे मैप कर दे, पॉइंट पे ही मैप कर दे, या लाइन पे मैप कर दे, या फिर कंटूर पे मैप कर दे, राइट, ये स्टार्ट में कहा था, अब यहां पर ये वही चीज आ रही है कि एक तरफ लाइन होगी तो मैप जब दूसरी तरफ जा रही है तो वो किसी ना किसी कंटूर पे मैप कर रही है, ठीक है, अच्छा अब ये चीज आ जाती है इन्वर्जन में, जो भी फंक्शन होगा W इज इक्वल टू वन ओवर Z की फॉर्म में होगा, अगेन यहाँ पर एक बात है कि ओवर में फ्रैक्शन में आयोटा नहीं आता, इसका मतलब है ये फंक्शन लाजमी तौर पर रैशनलाइज किया जाएगा, ऐसा ही है,
जी मैम। ऑब्वियसली ये रैशनलाइज किया जाएगा, अब यही चीज आगे फर्दर सारी यूज होनी है। यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल है फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1 ओवर c। अब z प्लेन है उसमें ये सर्कल है, अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है w प्लेन में। w प्लेन में इन्वर्जन है 1 ओवर z इन्वर्जन, ओवर में योटा आ रहा है, ठीक है ओवर में नहीं चाहिए, क्या होगा इसको कन्वर्ट करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है एयोटा ऊपर लेके आना है। अब वैल्यूज पुट की है, w इज इक्वल टू u प्लस एयोटा v है, 1 ओवर z की वैल्यू x प्लस एयोटा y कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है रैशनलाइज कर रहे हैं, x और v जो हैं, सॉरी y जो हैं u और v की फॉर्म में लिखती हैं। ठीक है x की वैल्यू भी लिखती है, u की फॉर्म में निकाल दी है, v की भी निकाल आई है। अब ये आइडिया है कि नहीं कैसे आया ये, जस्ट रैशनलाइज किया है, ठीक है ओवर में था, रैशनलाइज साइन चेंज कर देते हैं, माइनस से ही मल्टीप्लाई किया और माइनस से ही डिवाइड किया, नीचे वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ऊपर वाला वैसे ही एज इट इज आ जाता है, देन रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो कंपेयर कर लिए। जब कंपेयर किए हैं दूसरी साइड से भी रियल नंबर x इज इक्वल टू u ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आ गया है और y इमेजिनरी पार्ट v के इक्वल आ गया है माइनस के साथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात आ जाती है कि गिवन इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है ये गिवन इक्वेशन थी, अब इसको यूज करना है, ठीक है। अब x की जो वैल्यूज हैं ड्राइव की हैं वो पुट कर दें, y की जो वैल्यूज अभी ऊपर ड्राइव की हैं वो पुट कर दें, यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट करती, सॉल्व करते जब इसको सिंप्लीफाई किया है तो आंसर v इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 आ रहा है, ठीक है u यानी के 0 है और दूसरा v क्या आ रहा है माइनस 1 ओवर 4 आ रहा है, सही पॉइंट। यहां पर सर्कल उसने बता भी दिया है कि अगर सर्कल होता तो किस तरह उसकी इक्वेशन होनी थी, अच्छा सर्कल की इक्वेशन भी बता दो, सर्कल की इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन आती है या बताऊं? मैम आती है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर ऐसा ही होता है, ठीक है y माइनस बी स्क्वायर और या फिर h और k से आपने पढ़ा होगा, और ये a और b किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सेंटर को, और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है आर स्क्वायर, ठीक है ये इस तरह x सॉरी ये x होता है और यहाँ पर ये y होगा, कोई भी सर्कल है ड्रॉ करेंगे, अगर ये सर्कल है सपोज इसका सेंटर क्या आ जाता है, सेंटर इसका अगर मैंने ओरिजिन पे बनाया है जीरो और जीरो तो इसका मतलब है a और b की वैल्यू दोनों की जीरो है, ठीक है और रेडियस जो भी यहां से सेंटर से इस तक का पॉइंट r वो यहां पर लिखा जाता है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट में जो उसने इक्वेशन दी थी वो इसने ड्राइव करके बता दिया है कि ये सर्कल की इक्वेशन थी, जब w प्लेन में गई है तो v इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 आ गया है, क्या लाइन में कन्वर्ट हो गई है, समझ में आई है बात, नहीं आई तो मुझे मैं रिपीट करूं। अच्छा अगेन यहाँ पर अच्छा ये चीज थी, दूसरी तरफ उसने अब यहाँ पर लाइन दी है, जी प्लेन में लाइन है और इसको लेके जाना है किसमें, सर्कल में, डब्ल्यू प्लेन में लेके जाएंगे तो वहां पर ये मैप करेगी सर्कल को, ठीक है एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस एक्स प्लस वन है, अगेन जी वही ट्रांसफॉर्मेशन ली है, यू कंपोनेंट्स लिखे हैं डब्ल्यू के, एक्स कंपोनेंट्स लिख दिए हैं जी के, ठीक है उसी तरह x और y, अच्छा ये अब अंडरस्टूड सी चीज होगी x और y u और v कंपोनेंट्स,
एक जगह अगर आपने फाइंड कर लिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है तो लाजमी फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा फिर ये यू और वी आ गया है, अगेन यहां से वैल्यूज जो है वो पुट कर दें, ठीक है। y माइनस एक्स प्लस वन, एक्स की जो वैल्यू आई है वो और वाई की जो वैल्यू आई है वो यहां पर पुट कर दें। सिंप्लीफाई किया है तो बन जाती है यू स्क्वायर माइनस यू प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। अब इस चीज को सर्कल बनाना है, सर्कल की जो अभी डेफिनेशन बनाई थी, इसका मतलब है कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आनी चाहिए ये चीजें, ऐसा ही है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए अगेन क्या करेंगे, वन ओवर टू से मल्टीप्लाई और सॉरी प्लस और माइनस कर देना उसका स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, हिंट दूं? मैम आता है, ठीक है। अच्छा ये फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, यू माइनस वन ओवर टू स्क्वायर और वी माइनस वन ओवर टू स्क्वायर, ये दूसरी तरफ जाके इधर आ जाएगा। अब स्क्वायर सॉरी सर्कल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेंटर क्या आएगा इसका, दूसरा सेंटर पॉइंट, रेडियस क्या आ जाएगा, अच्छा वन ओवर टू है, वन ओवर स्क्वायर रूट टू आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर में आता है, सिंपल नहीं आता। स्क्वायर रूट में ही है, ठीक है। अब ये जो नया बनेगा लाइन थी, लाइन से जब डब्ल्यू प्लेन में गया है तो ये कन्वर्ट हो गया है सर्कल में, क्लियर है ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला? जी मैम, जी मैम। अगली भी अगेन वही चीज आ जाती है, स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब के लाइन की कह लें, यहाँ पर y रेंज दी गई है, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू वन ओवर फोर है, लेस देन इक्वल टू, कौन सा साइन लेना है, इक्वल वाला, y को वन बाय फोर कर लिया और y को वन ओवर टू कर लिया। अच्छा ये एग्जाम्पल है इसकी, ये क्या है, थ्योरम नहीं करना, थ्योरम रहने दें,